हेलो नमस्कार, मैं हूं सावन कुमार और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। लोकसभा में अमेठी से मिली शानदार जीत का जश्न अभी चल ही रहा था कि एक दिन बाद ही अमेठी से ऐसी खबर आई जिसने स्मृति ईरानी की जीत के रंग को फीका कर दिया। खबर मिली कि अमेठी से स्मृति ईरानी के करीबी रहे बरगोलिया गाँव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की बदमाशों ने हत्या कर दी। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के ट्रोमा सेंटर ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर स्मृति ईरानी तक पहुंची तो वे अमेठी के लिए तुरंत रवाना हो गई। रविवार को सुरेंद्र सिंह की शव यात्रा में शामिल हुई और सुरेंद्र सिंह की अर्थी को कंधा भी दिया। इस दौरान कई बार ऐसा दौर भी आया जब स्मृति ईरानी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए खुद भी रो पड़ी और अपनी आंखों में आंसू छलक पड़े। स्मृति ईरानी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह 1977 से अमेठी में जमीनी कार्यकर्ता रहे। यह बेहद दुखद है कि अमेठी में पार्टी की जीत की खुशी मनाने के बाद उनकी हत्या कर दी। स्मृति ईरानी ने सुरेंद्र सिंह के परिवार के सामने एक शपथ भी ली और कहा कि जिसने भी उनकी हत्या की और जिसके कहने पर उन्हें मारने का आदेश दिया गया, अगर मुझे उन्हें फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस वारदात से अमेठी में भय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेठी की जनता अब डरने वाली नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि मुझे प्यार से अमेठी की सेवा करने को कहा गया था, लेकिन मैं अमेठी के विकास के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस।